नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स.com। तो आईपीएल के होल कवरेज मेरे साथ और हमारे नवभारत टाइम्स में आपको हर एक अपडेट और मैच प्रीव्यू की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है, आपको बताई जा रही है। हमारे साथ खेल संपादक जो हमारे नवभारत टाइम्स के हैं, जिनके पास अनुभव है, देश और विदेश के तमाम सीरीज को कवर की है जिन्होंने, और अपने अनुभव के आधार पर जितने प्रेडिक्शन अभी तक वो कर रहे हैं, जो भी बता रहे हैं वो सब सही साबित हो रहा है। तो आज आईपीएल में दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है, वो है सीएसके और आरसीबी के बीच। मतलब एक तरफ जहां होगी विराट कोहली तो दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी। जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मुकाबला आज शाम 7:30 बजे ये मुकाबला खेले जाना है। इसके मैच की चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजीव कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है संजीव कुमार जी। आज जो दूसरा मुकाबला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होता है कोहली और धोनी के बीच में, क्योंकि दोनों भारतीय टीम के एक पूर्व कप्तान और एक वर्तमान कप्तान। बिल्कुल, कप्तान और पूर्व कप्तान के बीच मुकाबला है और विराट कोहली को इनफैक्ट कहा जाए तो बहुत एनकरेज करने वाले और आगे बढ़ाने वाले, सपोर्ट करने वाले महेंद्र सिंह धोनी है, और एक एक रेस्पेक्ट तो जरूर उनके मन में रहता है। बट इस मैदान पर उतरने के बाद जब आमने सामने टीमें होंगी तो फिर वो सम्मान अपनी जगह है और अपनी टीम को जिताने का एक जज्बा है वो अलग होगा। दोनों ही चाहेंगे एक दूसरे पर 20 पड़े हरी पड़े और एक दूसरे को अपनी स्ट्रेटजी से मात दें, अपने खेल से मात दें। तो मुझे लग रहा है कि ये एक पहलू जरूर है इस मुकाबले का, और खास तौर पे जब दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, नीचे चल रही हैं। अगर हम देखें तो आरसीबी के 5 मैच में 6 अंक हैं और सीएसके के इतने इससे ज्यादा मैच उन्होंने खेले, 6 मैचों में सिर्फ 4 अंक हैं और उन्होंने 2 ही मैच जीते हैं। तो चुनौतियां दोनों के सामने हैं। सीएसके के सामने कुछ ज्यादा चुनौती है क्योंकि धोनी से ज्यादा उम्मीदें होती हैं एज ए कप्तान, एज अ प्लेयर, बट उस पर वो खरे नहीं उतरे अभी तक इस सीजन में। उनके सामने भी चैलेंजेस है और विराट कोहली के सामने तो है ही है क्योंकि वो कभी उनकी टीम नहीं जीत सकी है, तो उनकी नेतृत्व जो क्षमता है उस पर सवाल उठते रहे हैं कि क्यों आईपीएल में वो उनकी टीम अच्छा नहीं कर पाती इतने बड़े प्लेयर्स के साथ। तो उनके सामने भी एक अलग ढंग का चैलेंज है। संजीव जी, दोनों की टीमें देखी जाए तो दोनों में अच्छे खिलाड़ी हैं, मतलब अगर खिलाड़ियों को देखा जाए दमदार खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी हैं इन दोनों टीमों के पास में। तो जहां एक और आरसीबी आज तक अभी तक खिताब से दूर है और चेन्नई के पास बहुत सारे खिताब पहले से आ चुके हैं और आईपीएल की सबसे कामयाब टीमों में से एक है, तो जब ये दोनों टीमें भिड़ती हैं आपस में तो इनके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करते हैं या फिर दोनों टीमों का एक क्या एस्पेक्ट रहेगा बॉलिंग में, बैटिंग में, क्योंकि बहुत ही दमदार टीमें हैं दोनों। देखिए, रिकॉर्ड्स तो अहमियत रखते हैं बशर्ते कि आपकी टीम जो है एक टीम को लगातार जीत मिल रही हो और दूसरी टीम लगातार हार रही हो। बेहतर तो सीएसके का रिकॉर्ड तो जरूर है, लेकिन अभी के समय में मुझे नहीं लगता कि मैटर करने जा रहा है। फिलहाल दोनों ही टीमें ऐसी नहीं है कि इस बार डोमिनेट कर रही हो, दबदबा हो किसी एक टीम का। अभी के हम फॉर्म पर देखेंगे, अभी के पोजीशन पर देखेंगे तो दोनों ही टीमों की स्थिति लगभग बराबर है, 5वें-6वें पोजीशन पर है वो पॉइंट्स टेबल पे। तो रिकॉर्ड मायने नहीं रखेगा, फॉर्म मायने रखेगा, जो कि अभी आप किस तरह से खेल रहे हैं वो मायने रखेगा। पिछले जो भी आपने खेले हैं वो का महत्व नहीं रह जाता। अलग ढंग के ग्राउंड पर अलग ढंग के चैलेंजेस आपके सामने हैं और इस टूर्नामेंट के, इस बार की लीग के चैलेंजेस आपके सामने अलग हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों टीमों की कुछ जो कमियां हैं मैं एक जैसी हैं जो मैं गिनाना चाहूंगा कि मिडिल के ओवर में, बीच के ओवर में इन दोनों टीमों का इस आईपीएल में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। ये दोनों टीमों के लिए चैलेंज है कि बीच के ओवर्स में कैसे स्ट्राइक रोटेट किया जाए, ज्यादा रन बनाए जाए और एक अच्छी शुरुआत मिलती है अगर तो उसको बड़ा एक टोटल खड़ा किया जाए। तो बीच के ओवर का रन रेट है, मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो केदार जाधव पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, केदार जाधव को लगातार खिलाया जा रहा है, उन पर भरोसा दिखाया जा रहा है, हो सकता है कि वो एक आधी पारी, हो सकता है आज ही वो बहुत अच्छी पारी खेल जाए। बट उनका रिकॉर्ड, अगर आप रिकॉर्ड की बात शुरू में आपने की थी तो मैं रिकॉर्ड
देख रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि रिकॉर्ड बहुत ही खराब है उनका। उन्होंने मैं एक रिकॉर्ड देख रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केदार जाधव ने 20.3 के औसत से उन्होंने रन बनाए हैं 17 मैचेस में। तो सुपर किंग्स के लिए उन्होंने खेला और जितने भी सुपर किंग्स से खेले बैट्समैन हैं उनमें उनका सबसे अच्छा, सबसे खराब प्रदर्शन रहा है जिन्होंने भी इतने मैच खेले हैं। तो ये बताता है, और स्ट्राइक रेट 98, तो लिए केदार जाधव को टीम में नहीं रखा गया है। वो तेजी से रन नहीं बनाएंगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, इतना कम एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है सीएसके के लिए। तो कौन सी टीम आज मजबूत करने वाली, कप्तान की और कप्तान की, दोनों की टीम का जरा एनालिसिस करिए, क्योंकि आज थोड़ी असमंजस की स्थिति है। बड़े खिलाड़ी हैं दोनों के पास, बड़े चेहरे हैं, और फिर वॉटसन का बैट तो हमने देख लिया है। हाँ देखिए, ये मुझे लग रहा है कि दोनों ही टीमें कुछ लाइनअप में प्रदर्शन परिवर्तन कर सकती हैं, क्योंकि प्रदर्शन कुछ खिलाड़ियों का अच्छा नहीं रहा है। और लाइनअप में अगर हम परिवर्तन देखते हैं तो हो सकता है कि आप केदार जाधव को ना भी देखें, उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को खिलाया जाए। और ये भी संभव है कि दूसरी तरफ देखें तो आरसीबी की टीम, अगर मोइन अली है, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, उनको ऊपर खिलाया जा सकता है। हो सकता है कि एबी डिविलियर्स को बाद में भेजा जाए एज अ पिंच हिटर। तो ये कुछ बैटिंग लाइनअप में परिवर्तन हम देख सकते हैं। एक बड़ा सवाल हमेशा से उठ रहा है, शुरू से ही इस आईपीएल सीजन से, कि क्रिस मॉरिस को लिया गया था डेथ ओवर्स में, जो आखिर के ओवर्स होते हैं, लगभग 13 के प्रति ओवर 13 रन के हिसाब से आरसीबी का खाते से रन जाते हैं। तो 13 रन देना डेथ ओवर्स में एन एवरेज के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत ही ज्यादा है। तो इसके लिए ही उन्होंने क्रिस मॉरिस को बहुत पैसे देकर खरीदे थे, लेकिन क्रिस मॉरिस अभी तक इस सीजन में उपलब्ध नहीं है। साइड स्ट्रेन की बात कह रहे हैं, उनको खिंचाव है मांसपेशियों में, तो वो इस बार उपलब्ध होंगे कि नहीं, क्योंकि पिछले मैच के खत्म होने के बाद कहा था विराट कोहली ने कि वो लगभग आज का मैच खेलने वाले थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे पूरी तरह वो फिट नहीं नजर आए, इसलिए उनको नहीं खिलाया गया। तो हो सकता है कि आज वो उतरे, अगर वो उतरेंगे तो शुरू ओडाना को बाहर किया जाएगा और उनकी जगह लेंगे। तो ये परिवर्तन इनके लिए कितना कारगर हुआ देखने वाली बात है। ऑन पेपर ऑन फॉर्म मैं देखूंगा तो यही कहना चाहूंगा कि दोनों टीमें बहुत ही बेहतर स्थिति में नहीं है, दोनों टीमों के उतार चढ़ाव भरे प्रदर्शन रहे खिलाड़ियों के, लेकिन फिलहाल मैं ही मानता हूं कि थोड़ा सा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर मैं एज मान रहा हूं, बढ़त उनको दे रहा हूं आज के मैच में। मतलब आरसीबी को आप बढ़त दे रहे हैं और वहीं सीएसके, मतलब कंपैरिजन लगभग लगभग एक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कौन एक आपको चुनना ही चुनना है तो वो आरसीबी होगी आपकी टीम। बिल्कुल, देखिए उसकी वजह यह है कि देखिए देवदत्त दत्त पाडिकल ने इम्प्रेस किया है, अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, वो अच्छे उनके खाते में रन है। अरुण फिंच भी एक आधे इनिंग उन्होंने अच्छी खेली है, और वो जब लय में आ जाएंगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मोइन अली हो, वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग में हो, क्रिस मॉरिस आ जाते हैं तो और भी ज्यादा इनको कहे तो एक मनोबल मिलेगा। अच्छे खिलाड़ी हैं, जब बैट्समैन भी स्कोर करते हैं और स्लॉग ओवर्स के अच्छे, डेथ ओवर्स के अच्छे बॉलर माने जाते हैं, तो उनके आने से एक एडवांटेज मिलेगा इस टीम को। और उनके और युजवेंद्र चहल भी है, युजवेंद्र चहल सिराज ने अच्छा किया है, नवदीप सैनी काफी स्पीड है और अपनी स्पीड से, और कई बार वो उन्होंने, हमने देखा है कि सुपर ओवर में भी शानदार बॉलिंग की उन्होंने, तो इनके पास ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरी तरफ अनुभवी खिलाड़ियों की पूरी टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स, शेन वॉटसन डुप्लेसिस से एक बार फिर उम्मीदें होंगी, अंबाती राइडू एक इनिंग खेलने के बाद बीच में चले गए थे, नहीं खेल पा रहे थे, फिर आए लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, केदार जाधव तो लगातार फ्लॉप ही है, MS धोनी की भी वो फॉर्म हम नहीं देख पा रहे हैं, रविंद्र जडेजा ने एक अच्छी इनिंग खेली थी बट
पिछली बार मौका था टीम को जिताने का, बड़ा स्कोर खड़ा करने का, तो बहुत कुछ नहीं कर पाए। ड्वेन ब्रावो अभी कुछ मैच खेलने के बाद, अब मैदान बाहर रहने के बाद मैदान पे लौटे हैं पिछले दो मैच में, लेकिन उनसे भी अच्छी उम्मीद होगी, वो लय पकड़े। सैम करन ने इम्प्रेस किया है, शार्दुल ठाकुर भी उतार चढ़ाव भरा प्रदर्शन रहा है, दीपक चाहर ने भी बहुत सारे रन दिए हैं, उनमें जो स्किल्स है वो बहुत विकेट लेने में या रन रोकने में अभी तो उतनी सक्षम सा से उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है। कर्ण शर्मा ने पिछली बार बॉल जरूर अच्छा किया था, तो मुझे लग रहा है कि अगर हम पूरे लाइनअप को देखें, तुलना करें, तो अभी स्थिति में मैं यही कहूंगा कि आरसीबी के पास थोड़ा एज है, बढ़त है, और वो इस मुकाबले को जीत सकते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस आईपीएल के इस मुकाबले के बारे में जानकारी देने के लिए। तो संजीव कुमार जी ने हमारे साथ में जो साझा किया वो यही है कि आज के मैच में आरसीबी को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई दिख रही है, वहीं उसका कारण यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कई स्टार खिलाड़ी फिलहाल फॉर्म में नहीं है, लेकिन शेन वॉटसन और फॉफ डुप्लेसिस की बैटिंग देखकर लगता है कि मुकाबला चैलेंजिंग रहेगा। यहाँ पे देखेंगे आज शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होने वाला है, जो कि कप्तान वर्सेस उपकप्तान के बीच में मुकाबला, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी की टीम तो दूसरी तरफ विराट कोहली की टीम। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मैच से जुड़ी हर जानकारी लाइव स्कोर आप novaratimes.com में देख सकते हैं, इसके अलावा मैच के अंदर की स्टोरी, पोस्ट मैच, सब कुछ आपको नव भारत टाइम्स में दिखेगा और आप वहां से जाके वेबसाइट में जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं।